स्मार्ट लोग रियल एस्टेट ऐसे परचेज करते हैं। रिसेंटली मैं पुणे में एक दोस्त के यहाँ पे गया था जिसके फ्लैट का रेंट 60,000 है और उस फ्लैट की करंट प्राइस अराउंड 2 करोड़ है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई ये फ्लैट तो ऑसम है और आपने इसे कैसे परचेज किया। तो उसने मुझे रियल एस्टेट की एक एडवाइस दी। उसने कहा जब ये कंस्ट्रक्शन साइट्स अर्ली स्टेज में होते हैं तो इसके प्राइसेस थोड़े कम होते हैं, और जब ये फ्लैट्स रेडी पोजीशन में आते हैं तो इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स की वजह से इसकी प्राइस 30% तक बढ़ जाती है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्मार्ट पीपल कंस्ट्रक्शन के अर्ली स्टेज में ही प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पुणे के हड़पसर में रिसेंटली दोस्ती रियलिटी का एक प्रोजेक्ट दोस्ती ग्रीनस्केप शुरू हुआ है, और अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी इनके फ्लैट के प्राइसेस भी बजट फ्रेंडली है। 40 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर होने की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने पर भी कोई रिस्क नहीं है। प्लस दोस्ती ग्रीनस्केप साइट पर आपको पॉकेट फ्रेंडली ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि अभी दोस्ती फ्रेंडशिप मंथ के चलते यहां कस्टमर सिर्फ 3,999 पर मंथ भरकर अपना घर बुक कर सकता है और फ्लैट की प्राइस पर अप टू 3 लाख की बचत पा सकता है। यहां पे 40+ लग्जरी अमेनिटीज है, और जैसे कि हमारा फोन स्मार्ट हो चुका है वैसे ही दोस्ती ग्रीन्स के प्रोजेक्ट स्मार्ट होम भी दे रहे हैं, और इसी तरह से स्मार्ट लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं।